Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hamara lecture lysosomes hai. Lysosome Greek word se nikla hai. Lysosome means splitting and soma mean body. Lysosome ko Dijon ne 1949 mein discover kiya tha, and lysosomes are not present in mammalian RBCs. Lysosomes mammalian RBCs mein nahi paaye jaate. Lysosome ko hum kis tarah define karenge? These are single membranous bonded organelles that are found in prokaryotic as well as eukaryotic cells. It means ki jo lysosomes hai ye prokaryotic aur isi tarah eukaryotic dono cells mein paaye jaate hain. Isi tarah lysosomes mein enzymes paaye jaate hain. Jo first enzyme hoga phosphatase hoga. This enzyme break down phosphoric acid monoester to phosphate ions and alcohols. और इसी तरह इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी पाए जाते हैं. दीज एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रोलेज. इन एंजाइम्स को हाइड्रोलेज भी कहा जाता है. व्हाई दे आर कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स? बिकॉज दीज एंजाइम्स फंक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या दे ब्रेक डाउन द केमिकल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ये केमिकल बॉन्ड्स को वाटर के प्रेजेंस में तोड़ता है. दैट्स व्हाई दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. ये कौन कौन से एंजाइम्स होंगे? These enzymes are nucleases, proteases, lipases and carbohydrases. Nucleases ka kya kaam hoga? Ye nucleic acid ko change kar leta hai, uska breakdown kar leta hai into nucleotides, unko nucleotides mein convert karta hai. Nucleic acid kya honge? DNA aur RNA. Aur isi tarah proteases enzymes kaun se enzyme honge? Wo enzyme jo proteins par act karte hai aur proteins ko amino acids mein convert kar lete hai. इसी तरह लाइपेसिस क्या होंगे? वो एंजाइम जो लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं. फिर इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे? वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट्स पर एक्ट करते हैं और उनको मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लाइसोसोम जो है वो इनके प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं. फिर इसके बाद ये वेसिकल्स में बंद हो जाते हैं एंड दे आर ट्रांसफर टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इनको फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसफर किया जाता है और वहाँ से फिर ये जो लाइसोसोम होंगे ये गोल्जी बॉडीज में चले जाते हैं, जहाँ पर इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन की जाती है और इसी तरह इन प्रोटीन्स को फर्दर वेसिकल में बंद किया जाता है. और ये जो वेसिकल होते हैं ये एसिडिफाइड होते हैं. सो दीज वेसिकल्स आर नाउ कॉल्ड लाइसोसोम्स. इट मीन्स के लाइसोसोम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर. और जब ये जो लाइसोसोम है गोल्जी बॉडी से फिर सीधा साइटोसोल के अंदर आ जाएंगे. और जब लाइसोसोम्स सेल के अंदर आते हैं दे आर कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम्स. व्हाट आर प्राइमरी लाइसोसोम्स? वो लाइसोसोम्स जिन्होंने अभी तक कोई फंक्शन नहीं किया होता, या दीज आर कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम्स. अब देखते हैं कि मटीरियल सेल के अंदर आते हैं या मॉलिक्यूल सेल के अंदर आते हैं और उनकी जो ब्रेकडाउन होती है. सो दीज मटीरियल आर सॉलिड एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर डिसॉल्व्ड इन लिक्विड. जब भी कोई मटीरियल या इसी तरह मॉलिक्यूल सेल के अंदर आए, दिस प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. इसको एंडोसाइटोसिस कहा जाता है. एंडो मीन्स इनसाइड एंड साइटोस मीन सेल. एंडोसाइटोसिस के फर्दर टू टाइप्स है. अगर सॉलिड पार्टिकल ने सेल के अंदर आना हो तो ये आकर सेल के सरफेस पर लग जाता है और फिर ये सेल मेम्ब्रेन में इन्वाजिनेशन बन जाता है और फाइनली ये एक वेसिकल में बंद हो जाता है. अब वो जो सॉलिड पार्टिकल है कौन कौन से होंगे? दे में भी बैक्टीरिया या मर बैक्टीरिया भी हो सकता है. दे में भी डेड सेल, ये डेड सेल्स भी हो सकते हैं और ये टिश्यू डिब्रीज भी हो सकते हैं. और इसी तरह पिनोसाइटोसिस में मालिक्यूल्स अलोंग विद फ्लूड अगर वेसिकल इन्वाजिनेशन बन जाए सेल मेम्ब्रेन में और ये फिर वेसिकल का शक्ल अख्तियार करे तो दिस प्रोसेस कॉल्ड पिनोसाइटोसिस. ये पिनोसाइटोसिस कहलाएगा. प्योगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में क्या डिफरेंस है? प्योगोसाइटोसिस में सॉलिड सेल के अंदर आते हैं और इसी तरह पिनोसाइटोसिस में मॉलिक्यूल्स अलोंग फ्लूड सेल के अंदर आते हैं. प्योगोसाइटोसिस का जो फेगो जो वर्ड है ये फेजिन से निकला हुआ है. फेजिन मीन टू ईट, काइटोस मीन सेल. और इसी तरह पिनोसाइटोसिस जो है वो पिनो वर्ड जो है वो ड्रिंक से निकला हुआ है. और इसी तरह ड्रिंक काइटोस मीन सेल. प्योगोसाइटोसिस कौन सी सेल में होता है? ये व्हाइट ब्लड सेल्स में होगा. इसी तरह ये मैक्रोफेजेस में होगा. व्हाट आर मैक्रोफेजेस? दीज आर टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स.
ये वाइट ब्लड सेल के टाइप्स होते हैं जिनका फंक्शन पैथोजेंस को इंगल्फ करना है. इंगल्फ मींस कि उनको निगलना है, उनको ईट करना है. और इसी तरह पिनोसाइटोसिस में फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स होते हैं जो सेल के अंदर आते हैं. और ये जो आउटसाइड से मटीरियल, अगर मटीरियल इनसाइड सेल हो और वो भी इसी तरह एक विजिकल में बंद हो जाता है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आउटोपीगी. इसको आउटोपीगी कहा जाता है. नाउ जब भी प्यूगोसाइटोसिस के जरिए सॉलिड पार्टिकल सेल के अंदर आए और एक विजिकल में बंद हो, तो इस विजिकल को हम कहेंगे प्यूगोसोम. और इसी तरह अगर सेल का अपना मटीरियल हो, सेल ऑर्गेनली हो, और वो विजिकल डबल मेम्ब्रेन में बंद हो जाए, तो इसको हम कहेंगे आउटोप्यूगोसोम. और आउटोपीगी मीन्स सेल्फ ईटिंग, यानी सेल जब अपने ही मटीरियल को ईट करता है, दिस इज कॉल्ड आउटोपीगी. और अगर बाहर से प्यूगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस के जरिए मटीरियल या मॉलिक्यूल्स आ जाए, दिस इज कॉल्ड एट्रोपीगी. इसको हम फिर एट्रोपीगी कहेंगे. दिस ऑल आर अ पार्ट ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन. वेन एवर जब भी ये पार्टिकल्स लाइक मैंने सेलुलर नली का नाम लिया, और इसी तरह मैंने प्यूगोसोम का नाम लिया, और पिनोसाइटोसिस के जरिए जो मॉलिक्यूल आते हैं, ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फिर ये मर्ज हो जाते हैं, या ये विजिकल या पिनोसाइटोसिस का विजिकल, या इसी तरह ऑटोप्यूगोसोम जो है ये इस लाइसोसोम के साथ मर्ज होकर सेकेंडरी लाइसोसोम बना लेता है. सेकेंडरी लाइसोसोम को हम डाइजेस्टिव विजिकल भी कहते हैं. डाइजेस्टिव विजिकल में उस मटेरियल की या उन मॉलिक्यूल्स की या फिर सेल और नली का मुकम्मल ब्रेकडाउन होता है, और इनसे न्यूट्रिएंट्स निकाले जाते हैं, और न्यूट्रिएंट्स जो है वो साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं. व्हाट आर दीज न्यूट्रिएंट्स? इट मे बी अमाइनो एसिड्स, दे मे बी न्यूक्लियोटाइड्स, दे मे बी लिपिड सब्सटेंसेस, और इसी तरह दे मे बी मोनोसैकेराइड्स. इसके बाद ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम जब मटेरियल को सेल के अंदर भेज देता है, देन रेजिडुअल बॉडी बच जाती है. दिस रेजिडुअल बॉडी या तो सेल से बाहर चली जाती है एक्सोसाइटोसिस के जरिए, या फिर ये सेल के अंदर स्टोर हो जाती है. अगर ये स्टोर हो जाए, तब हम इसको लाइफोफ्यूशन ग्रेन्यूल कहेंगे. इसी तरह एंडोसाइटोसिस की तरह एक और अगर सेल के अंदर मटीरियल आ जाए विद दी एल्फ ऑफ रिसेप्टर्स, रिसेप्टर की मदद से, तो इस जो प्रोसेस, इसको हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस इज कॉल्ड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. क्या है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस? लेट सपोज ये विजिकल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, और यहाँ पर इसके गिर्द क्लेट्रिन प्रोटीन जो है वो सराउंड हो गए, इसको सराउंड कर लिया, और इसी तरह रिसेप्टर आकर इस विजिकल पर इस तरह लग गए, तो ये जो क्लेट्रिन प्रोटीन होंगे ये इस विजिकल को सेल की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इनसाइड सेल इनको खींचने की कोशिश करेगा, और इसी तरह ये रिसेप्टर इस पर लगे हुए होंगे. जब इस तरह का एक विजिकल बन जाएगा सेल के अंदर, इस विजिकल इज कॉल्ड एंडोसोम. इसको फिर हम एंडोसोम कहेंगे. ऑटोप्यूगोसोम किन आलात में बनता है? जब भी सेल में, सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, फिर और सेल जो है वो अपनी ही ऑर्गेनेल्स को खाना शुरू कर देता है, उसका ब्रेकडाउन करना शुरू कर देता है, उनसे न्यूट्रिएंट्स निकालता है. एक इसकी जो इम्पोर्टेंट मिसाल है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे लिवर सेल में हर 10 डेज के बाद चेंज होता रहता है. सो दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज इंक्लोज इन डबल मेम्ब्रेन एंड दिस कॉल्ड ऑटोप्यूगोसोम, और फिर इस पर लाइसोसोम जो एक्ट करता है और इनसे न्यूट्रिएंट्स निकाल लेता है. सो ऑटोपीगी मीन्स सेल्फ ईटिंग. देन एक्स्ट्रा सेलुलराइजेशन, लाइसोसोम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलराइजेशन भी कर सकता है. एक्स्ट्रा सेलुलराइजेशन में ऑटोलिसिस है. व्हाट इज मीन बाय ऑटोलिसिस? इट मींस ब्रेक डाउन ऑफ कंप्लीट सेल, यानी कंप्लीट सेल के ब्रेक डाउन को ऑटोलिसिस कहा जाता है. और इसी तरह जो कंप्लीट सेल है वो कब ब्रेक डाउन होता है? अगर सेल इंजर्ड हो जाए तो सेल की मुकम्मल ब्रेक डाउन होती है, या इसी तरह अगर ग्रोथ हो रही होती है तो इसी इन ग्रोथ के दौरान भी सेल्स की जो ब्रेकडाउन होती है, और फिर नए सेल माइटोसिस के जरिए वापस बन जाते हैं. ब्रेकडाउन ऑफ कंप्लीट सेल ऑटोलिसिस में होता है लाइक टेल ऑफ ह्यूमन एंड टेटपोल एम्ब्रियो. ह्यूमन टेल डेवलपमेंट के दौरान ख़त्म हो जाता है, इनके जो सेल्स है इसको लाइसोसोम्स डाइजेस्ट कर लेते हैं, इनको ख़त्म कर लेते हैं. इसी तरह टेटपोल का के भी जो टेल है वो भी इसी तरह डाइजेस्ट हो जाती है, लाइसोसोम उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट.
इसी तरह WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स को भी लाइसोसोम्स ख़त्म कर लेते हैं जब यह फुला फंक्शन कर लेते हैं, और इसी तरह प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स को भी ख़त्म किया जाता है। प्लेटलेट्स का काम ब्लड को क्लोटिंग में मदद करना है। और इसी तरह एपिथेलियल सेल्स को भी लाइसोसोम जो है वो डाइजेस्ट करते हैं, एंड दिस ऑल प्रोसेसेस आर कॉल्ड ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस इसमें जो लाइसोसोम्स है वो लाइक सुसाइड बैग एक्ट करते हैं और सेल के अंदर अपने सारे जो एंजाइम्स है वो छोड़ देते हैं और ये खुद ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर इसी तरह एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की जो एक और एग्जांपल है, दिस इज क्राइनोपेगी। एक क्राइनोपेगी है, क्राइनोपेगी में जो एक्सेसिव हार्मोन है जो एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट करता है उसको लाइसोसोम्स डाइजेस्ट करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। सो व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? वो ग्लैंड जो अपने जो हार्मोन्स उसको डायरेक्ट ब्लड के जरिए अपने टारगेट तक पहुँचाते हैं, दीज आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड की फिर एग्जाम्पल क्या होगी? थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, इसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड। इन ग्लैंड्स के हार्मोन्स को अगर लाइसोसोम डाइजेस्ट करे, अगर ये एक्सिस हार्मोन को प्रोड्यूस करे, दिस प्रोसेस कॉल्ड क्राइनोपेगी, इसको क्राइनोपेगी कहा जाएगा। इसी तरह एक और प्रोसेस है एक्सोसाइटोसिस और सेल सर्कुलेशन, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जब भी लाइसोसोम के एंजाइम कार्टिलेज को ब्रेक डाउन कर ले, ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो कार्टिलेज ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, इनका अगर ब्रेक डाउन करना हो तो वो लाइसोसोम करते हैं और फिर उनकी जगह बोन ले लेते हैं, मींस बोन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। व्हाट आर कार्टिलेज? दीज आर स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज। अब एक और जो लाइसोसोम का जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, दी लाइसोसोम ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट डिजोल अनवांटेड पार्ट्स ऑफ बोन। अगर बोन इंजर्ड हो जाए तो कुछ सेल होते हैं, दिस आर कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट किसको कहते हैं? बोन ईटिंग सेल्स को ऑस्टियोक्लास्ट भी कहा जाता है। ये अनवांटेड पार्ट्स ऑफ इंजर्ड बोन को ख़त्म करना, उनको डिजोल्व करना, दिस इज फंक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, ये ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन होगा। फिर इसके बाद कुछ डिजीज है जो ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं, दिस आर कॉल्ड स्टोरेज डिजीज, इनको स्टोरेज डिजीज कहा जाता है। एंड दिस डिजीज आर ऑफ 20 टाइप्स, ये 20 टाइप्स के डिजीज होते हैं, लेकिन जो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो डिजीज होगी, दिस इज ग्लूकोजिनेसिस टाइप 2 डिजीज, ये ग्लूकोजिनेसिस टाइप 2 डिजीज है। इस डिजीज में सेल में डी ग्लूकोसाइडेज एंजाइम नहीं पाया जाता। ये जो एंजाइम होगा इसका काम है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजिन, ये ग्लाइकोजिन का ब्रेक डाउन करता है इन लीवर एंड मसल सेल्स। अगर डी ग्लूकोसाइडेज एंजाइम ना हो या ये जो लाइसोसोम ये एंजाइम ना हो तो फिर लीवर और मसल सेल की जो ऑर्गेनेली है वो ग्लाइकोजन से भर जाती है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड ग्लूकोजिनेसिस टाइप 2 डिजीजेज। और दूसरा डिजीज जो है वो दिस इज टाइसेक्स डिजीज। टाइसेक्स डिजीज में क्या होगा? ब्रेन में जो लिपिड सब्सटेंसेज है, फैटी सब्सटेंसेज है, उनकी ब्रेकडाउन नहीं होती, उनके लिए भी एक एंजाइम होता है लाइसोसोम्स में, एंड दिस एंजाइम इज कॉल्ड बीटा एक्सोसोमाइडेज, इसको बीटा एक्सोसोमाइडेज कहते हैं। और ये जो लिपिड सब्सटेंसेज है जो ब्रेन में पाए जाते हैं, दिस लिपिड सब्सटेंसेज आर कॉल्ड गैंग्लियोसाइट्स, इनको गैंग्लियोसाइट्स कहा जाता है। अगर गैंग्लियोसाइट्स ब्रेन में अत से बढ़ जाए, यानी इनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाए, तो दिस में क्रिएट सीरियस कंडीशंस, ये सीरियस कंडीशन जो है वो क्रिएट कर लेता है, दिस स्पेशली ओकर्स इन चिल्ड्रंस एंड बेबीज, ये चिल्ड्रन और बेबी में ये प्रोसेस होता है। चिल्ड्रन में क्या होगा? अगर गैंग्लियोसाइट्स अत से बढ़ जाए तो मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है, इसी तरह पैरालिसिस भी हो सकता है, और इसी तरह बेबीज या चिल्ड्रन की डेथ भी हो सकती है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।